जैसे ही मिचेल स्टार्क का नाम अनाउंस हुआ, पूरे ऑक्शन हॉल में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। मिचेल स्टार्क का बेस प्राइस था 2 करोड़ और पहली बिड लगाई दिल्ली कैपिटल्स ने। मुंबई इंडियंस ने भी बिना देरी करते हुए 2 करोड़ 20 लाख की बोली लगा दी। दिल्ली की तरफ से तो खुद ऋषभ पंत बिडिंग कर रहे थे। दोनों टीमों के बीच बिडिंग वॉर शुरू होती है। दिल्ली कैपिटल्स 2 करोड़ 40 लाख की बोली लगाती तो मुंबई इंडियंस 2 करोड़ 60 लाख की बोली लगा देती। दोनों ही टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थी। जैसे ही मिचेल स्टार्क का प्राइस 8 करोड़ पहुंचा, मुंबई इंडियंस थोड़ा सावधान हो गई, क्योंकि उनकी पर्स में सिर्फ 12 करोड़ के आसपास ही बचे थे और दिल्ली कैपिटल्स की पर्स में अभी भी 20 करोड़ से ज्यादा थे। ऐसे में लग रहा था कि दिल्ली ये बिडिंग वॉर जीत जाएगी, लेकिन 9 करोड़ 40 लाख तक बिड करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स पीछे हट गई। इस समय मुंबई ने 9 करोड़ 60 लाख की बिडिंग कर रखी थी। अभी केकेआर भी बीच में कूद पड़ती है और लगा देती है 9 करोड़ 80 लाख की बोली। केकेआर की पर्स में लगभग 32 करोड़ थे। मुंबई इंडियंस को पीछे हटना पड़ा। तभी इस बिडिंग वॉर में चौथी टीम गुजरात टाइटंस कूद पड़ी। अब हर एक बोली पर 25 लाख रुपए बढ़ते जा रहे थे। 20 करोड़ तक दोनों टीमों ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बोली लगाई। फिर गुजरात और केकेआर दोनों टीमें काफी सोच विचार कर बोली लगाने लगी। गुजरात 20 करोड़ 25 लाख की बोली लगाती तो केकेआर 20 करोड़ 50 लाख। फिर गुजरात 20 करोड़ 75 लाख की बोली लगा देती तो केकेआर 21 करोड़ की बोली लगा देती। ऐसा करते करते 24 करोड़ 50 लाख तक की बोली लग गई। यहां पर केकेआर ने थोड़ी और हिम्मत दिखाते हुए 24 करोड़ 75 लाख की बोली लगा दी। गुजरात टाइटंस पीछे हट गई और मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में केकेआर टीम का हिस्सा बन गए।